ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या दिया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, व्हिच ऑफ दीज फंक्शंस हैव अ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रीडिफाइन द फंक्शन सो एज टू रिमूव द डिस्कंटिन्यूटी। आपको क्या बोला है, डिस्कस करने बोला है इसकी कंटिन्यूटी फॉलोइंग फंक्शंस की, और पता करने के बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जो रिमूवेबल है, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, और अगर वो रिमूवेबल है तो उसको क्या करते हो, रीडिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम कौन कौन से करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम फर्स्ट करेंगे, हम फिफ्थ करेंगे, हम सिक्स करेंगे, हम सेवन्थ करेंगे, ठीक है, ये सारे करने वाले, ठीक। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए दिया हुआ, और यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है, टू फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग को क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, हम जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ जीरो, जीरो पे जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, टू है, वन दे दो। उसके बाद क्या निकालो, लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, साइन ऑफ क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है ये, एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, वन होता है। तो अगर ये वाला जो आर्गुमेंट यहाँ पर है, एंगल जो यहाँ पर है, वही एंगल मैं नीचे अरेंज कर दूंगा तो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अब एक टास्क समझ में आ गया, अब ये सोचना है कि उसको किस तरीके से अरेंज करें। तो बड़ा आसान है उसको अरेंज कर लेना, कि अगर मैं क्या करूंगा, x माइनस वन से मल्टीप्लाई और x माइनस वन से डिवाइड, तो ये अरेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे, तो देयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस विल बी sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x अपॉन विल बी x स्क्वायर माइनस x इनटू x माइनस 1, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब इसके बाद क्या, देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये तो अरेंज हो गया वो फॉर्मेट में, ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर लिमिट को पुट कर दो 0 माइनस 1 इट विल बी माइनस 1। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जीरो क्या है, टू आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस वन, ये देख करके समझ में आ गया दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है यानी क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, हाँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम टू को हटा करके अगर माइनस वन लिख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और इसके बाद देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर बट हम लोग बोलेंगे दिस डिसकंटिन्यूटी, दिस डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल, ये डिसकंटिन्यूटी क्या है, रिमूवेबल है, ठीक है ना। तो रिमूवेबल कैसे रिमूव करोगे, रीडिफाइनिंग, बाय रीडिफाइनिंग, रीडिफाइन कर दो उसको। रीडिफाइन कैसे करोगे, अरे बड़ा आसान है, वही क्वेश्चन लिखो, साइन ऑफ क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन क्या है, एक्स, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, समझ में आ गया, एट एक्स इज इक्वल्स टू, क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाओ, कंटिन्यूटी बहुत इजी चैप्टर है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, कंटिन्यूटी की आप मिसलेनियस भी नहीं छोड़ेंगे, समझ में आया क्या कहा मैंने, मिसलेनियस भी छोड़ करके नहीं जाना है, जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट पूरा कंटिन्यूटी कवर हो जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 raise to x minus e raise to x upon 6 raise to x minus 1, ठीक है ना, ये हमारे पास है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जगह मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, ये मत करिए, ये फोर्थ क्वेश्चन करिए, फोर्थ वाले देखिए, फोर्थ वाले में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x द होल स्क्वायर, for x is not equal to pi by 2 and this is 2 by 7 for x is equals to pi by 2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स
ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखेंगे, f of pi by 2 is equals to क्या है वो 2 by 7, इसको क्या करते हो इक्वेशन नंबर 1 में। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, आगे क्या इस फंक्शन का क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे। मैं यहां पर जाएगा लिमिट, नाउ लिमिट x is tending to क्या pi by 2, x is tending to pi by 2 ये क्या है 1 - sin x divided by pi minus 2x the whole square, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो मैं कहूंगा कुछ x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस h, एज x वाज टेंडिंग टू पाई बाई टू h विल टेंड टू जीरो, जैसे x पाई बाई टू को टेंड करेगा h क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हमारी लिमिट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो देयरफॉर क्या हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो 1 minus sine of what is x, x is pi by 2 plus h, ठीक है ना। उसके बाद denominator में क्या करेंगे उसको जरा समझा देता हूं मैं, यहां पर बच्चों को confusion होता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 को यहां भी multiply कर दिया, यहां भी multiply कर दिया, ठीक है ना। तो 2x is equals to क्या हो जाएगा pi plus 2h, या फिर ऐसे बोल सकते हो पूरी equation को 2 से multiply करते हो, तो this implies ये क्या हो जाएगा 2x minus pi क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, समझ में आ गया 2x minus pi क्या हो गया 2h। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई माइनस टू एक्स है तो उल्टा करोगे तो माइनस टू एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो माइनस टू एच द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे चलना है, आगे यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, अब 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टीकप्स यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 90 आया तो बदलेगा यानी कॉस आएगा और साइन क्या है पॉजिटिव रहेगा, यानी 1 माइनस क्या होगा cos h हो जाएगा और ये क्या है 4x स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है 1 माइनस cos h अपॉन 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos h अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस cos h, ठीक है ना। a माइनस b इनटू a प्लस b क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 minus cos square is divided by 4h square into 1 plus cos h, ये समझ में आ रहा है। ये 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta, which will be equal to limit h is tending to 0, this will be sin square h upon 4h square into 1 upon 1 plus cos h, समझ में आ गया। अब इसके बाद जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये क्या है sin square h upon क्या है ये h square, ये तो अरेंज हो गया ना, देखो ध्यान से ये h यहाँ पर जो argument है वो यहाँ पर denominator में भी आ रहा है, तो हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा is equals to limit h is tending to 0 sin of h upon h the whole square into limit को square के अंदर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, into 1 by 4 into 1 by 1 plus cos h, ये हमारे पास है। limit apply कर दो, limit apply करने पर क्या आएगा therefore ये हो जाएगा 1 का square multiplied by, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 by 4 into 1 upon 1 plus cos 0 is 1, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 by 4 into 1 by 2 यानी कितना रहेगा 1 by 8, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 1 by 8 और देख करके समझ में आ रहा है कि वो डिसकंटीन्यूअस है, और अगर आप 2 by 7 की जगह 1 by 8 लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा रिमूवेबल डिसकंटीन्यूअस है, क्लियर है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है f of x is equals to e raised to 3x minus 1 into sin x degree, sin x degree, ठीक है, और denominator में क्या है pi by 16, ठीक है, और यहाँ पर क्या है x is not equal to 0 के लिए है, और ये value क्या है pi by 16, ये x equals to 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी आप calculus limit derivative integration करेंगे तो हमेशा जो angle होगा, जो argument होगा वो हमेशा radians में होगा, degree में calculate नहीं करेंगे इसको, समझ में आया क्या बोला मैंने। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा एंगल्स को रेडियन में मेजर करना है, डिग्री में नहीं। तो यहाँ पर डिग्री में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या ये पाई बाय 16, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या आगे चलते हैं, आगे जो है नाउ हम लोग क्या करेंगे लिमिट x is tending to क्या limit x is tending to 0, limit x is tending to 0 हमारे पास क्या है e raised to 3x minus 1 into sin x degree, और denominator में क्या है denominator में है pi by 16, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आगे चलते हैं, आगे is equals to हो जाएगा limit x is tending to 0
यहाँ पर अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, सॉरी डिनोमिनेटर आ गया 5 बाय 16, ठीक है डिनोमिनेटर में क्या है 5 बाय 16। अब मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, ये दिया हुआ क्या x, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर दिया हुआ है 5 बाय 16, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या है ये एक्स स्क्वायर, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर उसको इसको सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात नहीं, इसको सेपरेट कर दूंगा, e रेज़ टू 3x माइनस 1 अपॉन x इनटू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x डिग्री अपॉन x, ठीक है दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर 3x है पावर में तो यहाँ पर 3x होना चाहिए, वो तो आराम से हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा बता दो, 3 से मल्टीप्लाई से डिवाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये वाला काम तो बन गया, इसको भी हाथ भी नहीं लगाना है, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। x is tending to 0 sin of x डिग्री, x डिग्री को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे पाई x बाय 180 रेडियन, x डिग्री क्या होता है पाई x बाय 180 रेडियन, तो यहाँ पर हो जाएगा sin of पाई x बाय 180 रेडियन अपॉन यहाँ पर क्या है x है ना, तो इधर पे क्या करना पड़ेगा यही वाले को नीचे अरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने पाई x बाय 180, यहाँ पर भी क्या है पाई x बाय 180, पाई x बाय 180 से मल्टीप्लाई पाई x बाय 180 से डिवाइड, समझ में आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गया, अब ये वाले को भी हाथ नहीं लगाना है हम लोगों को, तो बेसिकली बचा क्या, ये हो जाएगा log e यानी 1 into 3 मल्टीप्लाई में ये भी 1 मल्टीप्लाई में कितना होगा पाई बाय 180, इसको कैंसिल करो 3 6 का यानी कितना आया पाई बाय 16, तो 1 और 2 से समझ में आ गया दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, अगर दोनों के दोनों इक्वल है यानी फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। जब कंटिन्यूस है कंटिन्यूस ही है फंक्शन, तो रिमूवेबल या इररिमूवेबल की बात ही नहीं आती। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है f(x) (a)(x) - 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin ऑफ x * log ऑफ 1 + x/4, ठीक है ना, और इस इंटरवल में ये माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल माइनस जीरो यानी जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स को इस तरीके से डिफाइन करो इस इंटरवल में कि वो क्या हो जाए जीरो पे भी कंटिन्यूस हो जाए, यहाँ पर बोल दिया गया है वो समझो यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे को क्या करना है एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना है ताकि वो क्या हो जाए जीरो पे भी क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे देखे ध्यान से हम लोग और भी चीज़ें दी गई इसके अंदर मैं और कुछ दिया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा जीरो पे इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं कि अगर जीरो पे ये लिमिट आएगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो एट रेस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन क्या है साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 + x/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक्स आ जाए और यहाँ पे एक्स आ जाए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x is tending to 0 a raised to x minus 1 the whole square upon kya ho jayega sin of x upon x multiplied by log of 1 plus x by 4 upon x, ye hamare paas ho gaya। ab yahan par kya karte hain ye dekho zara dhyan se, tino ka limit alag alag de do, theek hai na, yahan par bhi hai a raised to x minus 1 upon the whole square upon x square aisa, ठीक है ना। तो तीनों को क्या करते हैं लिमिट अलग अलग दे दो, इसी क्वेश्चन का आ जाएगा लिमिट x is tending to 0 हो जाएगा a raised to x minus 1 upon x the whole square, ये कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में क्या है लिमिट x is tending to 0 sin x upon x multiplied by यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x is tending to 0 log of 1 plus x by 4, डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में सिर्फ x है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना, ठीक है ना। ये 4 को जैसे ही तुम बांट लोगे तो 1/1/4 है वो, तो ऊपर जाके वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी अरेंज हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log of 8 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 इनटू हो जाएगा 5, समझ में आ गया। आप वो फॉर्मूलेज लिख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका वैल्यू क्या आया 4 log of 8 द होल स्क्वायर, समझे। अब तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर
जीरो पे इस फंक्शन का लिमिट ये आएगा, तो जीरो वाले पॉइंट पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे आप लोग, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पूरा लिख दो फंक्शन, एट माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है साइन एक्स इंटू क्या लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय फोर। तब है ये एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखो इज इक्वल टू क्या आएगा फोर लॉग ऑफ एट द होल स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया।